हेलो एवरीवन, अभी इस वक्त मेरे हाथ में एक ऐसा जजमेंट है जिसमें 498A बाकी और भी बहुत सारे झूठे केसेस में एक पति को राहत मिली अपने क्रिमिनल केसेस से ऑलमोस्ट 10 साल बाद। सच्चा केस या झूठा केस ये बात की बात है, पर आपको परेशान एक झूठा केस कर सकता है अगर आपके अगेंस्ट आपकी बीवी ने केस कर दिया है तो। अब ये केस ऐसा नहीं है कि बहुत ही नॉर्मल सी फैमिली में हुआ था, बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली थी। इस फैमिली में एक सिविल जज भी इन्वॉल्व थे, उनके अगेंस्ट भी उनकी भाभी ने एलिगेशंस लगाए थे। अब इस केस के जरिए किसको किसको फायदा होगा और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। 498A अगर आपके अगेंस्ट हो जाता है, आपको क्या क्या प्रोसीजर्स यूज करने चाहिए उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकेंडली, आपके अगेंस्ट अगर झूठे केसेस लगे हैं तो आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है और कौन कौन से पॉइंट्स को आगे रखना है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद आपका अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ कोई भी इन्वॉल्व होता है, मान लीजिए आपका 498A जो है, एक पूरी FIR आ गई आपकी। अब वो FIR हाई कोर्ट में जाती है, भले ही आपका केस सच्चा हो यानी कि आप सही हो, वो केस डिसमिस भी हो जाता है अगर वहां पे, पर किस ग्राउंड पे डिसमिस होता है वो भी जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता आपके केस के ऊपर वो डिसमिस ना हुआ हो, सिर्फ इसलिए डिसमिस हुआ हो कि आपने FIR की कॉशन डाल दी थी लेकिन चार्जशीट लग गई थी। अब चार्जशीट लगने पे क्या आपकी FIR कॉशन मेंशनेबल है या मेंशनेबल नहीं है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स भी इस जजमेंट में कवर्ड हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इस केस का नाम है अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब अभिषेक जो है इसमें उनकी भाभी ने उनके अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए थे और वो इसको आगे लेकर के गए हैं इस केस को। अब ये केस किसके किसके बीच में है, एक दो पार्टीज के बीच में है। दोनों की शादी हो रखी थी, दोनों शादी के कुछ साल बाद अलग रहने लगे थे। अलग अलग रहने के बाद कुछ साल बाद उनकी बीवी ने उनके और उनके फैमिली वालों के अगेंस्ट केस इंस्टीट्यूट कर दिया। अब एक बात बताइए, क्या पति के अगेंस्ट ये FIR कॉश हुई है? नहीं, पति का नाम तो इसमें अलग है और जो इसमें पिटिशनर आए हैं उनका नाम इसमें अलग है, और उनके नाम के अगेंस्ट जो FIR है वो कॉशन कहाँ कैंसिल हुई थी? नीचे हाई कोर्ट में। इसलिए ये जो ऑर्डर है ये सुप्रीम कोर्ट का है। अब आराम से इस जजमेंट को एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस इसमें हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस इसमें आगे आएंगी। अब मान लीजिए दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज के बीच का जजमेंट है ये। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या क्या एलिगेशंस लगे थे इनके अगेंस्ट। अब एक FIR आई थी, FIR में काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिगेशन यानी कि सबसे बड़ी जो एलिगेशन लगी थी वो थी 498A की, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या लगा था, सेक्शन 3-4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का लगा था, और भी आई गेस और कोई सेक्शंस नहीं लगे थे। तो कौन कौन से लगे थे, आपने मुझसे दहेज मांगी है, आपने मेरे और मेरे परिवार से दहेज मांगा है, और उसके बाद आपने क्या किया है, मेरे को प्रताड़ना की है मेरे ऊपर, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। अब इसके आगे जाते हैं क्या क्या पॉइंट्स थे ये केस का। ये FIR कब की है, ये FIR है 2013 की। कब के FIR है ये, 2013 की। शादी कब हुई, 2007 में शादी हुई, FIR हुई 2013 में। अब 2007 की शादी के बाद 2008-09 के अराउंड वो लड़का लड़की साथ नहीं रह रहे थे, और अचानक से एक गैप के बाद 2013 में उन्होंने FIR की उनके उनके खानदान वालों के अगेंस्ट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जानने वाला होता है वो ये है कि क्या आप अपनी भाभी या जिन्होंने भी आपके अगेंस्ट एलिगेशन लगा रहे हैं आप उनके साथ रहते थे कहीं। अब देखो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ चुका है, अकेले फैमिलीज रहती हैं, हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं, लेकिन जब FIR की बात आती है तो पूरे खानदान पे लगती है। ऐसा क्यों, और क्या FIR आराम से लग जाती है? देखिए अभी तक जितने केसेस आ रहे हैं उसमें तो लगी है, भले ही सास ससुर साथ रह रहे हो या ना रह रहे हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सास ससुर आते हैं इस लपेटे में, इसमें जो देवर है, जेठ है, भाभी है, और जो नंद है, इवन नंद के हस्बैंड भी, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, वो भी इन्वॉल्व किए जाते हैं इन सब केसेस में। तो क्या वो अपने नाम पे कॉशिंग ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, और कैसे ले सकते हैं वो इस जजमेंट से आपको पता चलेगा। अब देखिए
इतना पता चल गया कि 2013 में FIR हुई थी, उसके बाद उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई कर दी। एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है कि अरे FIR हो गई है या होने वाली है और आपको डर लगता है, इस बात का एंटिसिपेशन है कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, अपना एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाइए कोर्ट में और एंटिसिपेटरी बेल ले लीजिए। अब नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हाई कोर्ट में इनकी जो अपील थी वो डिसमिस हो गई है बाय कॉमन ऑर्डर, SLP इनकी गई ऊपर, इनकी SLP यानी कि स्पेशल लीव पिटिशन गई ऊपर सुप्रीम कोर्ट में और उसको इन्होंने स्टे मिल गया। स्टे किस चीज़ में मिला कि आगे आपके ऊपर कोई भी एक तो प्रेयर होती है आपकी पिटिशन में, उसमें काफ़ी सारी प्रेयर्स होती है, वन ऑफ द प्रेयर इज कि स्टे, कि आगे जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें स्टे लगा दिया जाए, कोई कार्यवाही आगे ना करी जाए। पर एक बात बताइए, क्या कोई कार्यवाही अगर स्टे लग आपकी FIR में स्टे लग गया है तो क्या आपकी चार्जशीट नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी, आपकी कार्यवाही में स्टे लगेगा, लेकिन पुलिस तो अपना काम करेगी ना, पुलिस तो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल करेगी। तो पुलिस की चार्जशीट फाइल करने पे स्टे नहीं लगा है, चार्जशीट पे स्टे नहीं लगा है। स्टे सिर्फ किस चीज़ पे लगता है? स्टे लगता है कि आगे की जो कार्यवाही है उन पे स्टे लग जाए, क्योंकि ये मैटर कहाँ जाएगा अब आगे के कोर्ट में डील किया जाएगा। अब इसमें तो खैर स्टे अलग, इसमें अलग रीज़न की वजह से डिसमिस हुआ था, इसमें डिसमिस हुआ था कि चार्जशीट लग गई है, अब आपकी जो FIR है वो मेंशनेबल भी नहीं है, इसलिए इनकी जो आई गेस हाई कोर्ट में इनकी पिटिशन डिसमिस हो गई। SLP लग गई, SLP लगने के बाद अब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, जजमेंट में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, मल्टीपल फैक्ट्स कि इनकी भाभी ने क्या एलिगेशन लगाया क्या नहीं लगाया। अब एक बात बताइए, ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? एक महिला के लिए भी मैं बता दूं, अगर वो FIR लिखवाने जाती हैं और उनकी FIR सच्ची होती है तो एक एक इंस्टेंसेस जो हैं उसमें लिखे होने चाहिए, उनकी जो स्टेटमेंट है वो इधर उधर अलग नहीं होनी चाहिए, उन्होंने इतने टाइम बाद कितने टाइम बाद क्या क्या लिखवाया था वो भी सही से मेंशन्ड होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट एक एक डेट होनी चाहिए, इस दिन इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। अब मान लीजिए आप 1 से 5 तारीख तक उनके साथ रही नहीं रही हैं, तो आप ऑफेंस 1 से 5 तारीख के बीच में कैसे शो कर सकती हैं? तो ये जो लूप होल्स क्रिएट होते हैं ना, इसी के थ्रू सामने वाला व्यक्ति जो है वो बच सकता है। अब इसके आगे जाते हैं, नेक्स्ट इसके बाद मल्टीपल एलिगेशंस लगे थे, क्या क्या लगा था क्या क्या नहीं लगा था वो सारी चीज़ें बाद की बात है। अब ये जो अभिषेक है ये ऑलरेडी एक सिविल जज बन चुके थे और इनका इनकी भाभी पे कोई एक्सेस नहीं था, यानी कि अपनी भाभी के साथ रह ही नहीं रहते, सेम घर पे नहीं रह रहे थे, तो ये अपनी भाभी को प्रताड़ना कैसे कर सकते हैं, उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन उठा है। नेक्स्ट इसके बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं, कोर्ट ने क्या बोला कि FIR आ चुकी है, FIR पे चलो हमने आपने कॉशिंग लगाई 482 में FIR पे, अब चार्जशीट भी आ गई है, तो क्या चार्जशीट ये FIR कॉशिंग मेंटेनेबल है कि नहीं? इससे रिलेटेड ये देख लीजिए, इट इज़ अ वेल सेटल्ड दैट द हाई कोर्ट वुड कंटिन्यू टू हैव द पावर टू एंटरटेन एन एक्ट अपॉन अ पिटिशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 482। हाई कोर्ट के पास इमेंस पावर होती है, इनहेरेंट पावर होती है सेक्शन 482 CRPC में, ठीक है, और ये बहुत सारे केसेस में भी मेंशन है, केसेस आपको नीचे मिल जाएंगे, अगर आपको आगे कहीं साइटेशन देनी हो तो ये केसेस आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और पॉइंट दिया गया है कि क्या आलतू फालतू केसेस के लिए भी क्या कॉशिंग दे देनी चाहिए, या फिर क्या बहुत इंपॉर्टेंट केसेस के लिए क्या कॉशिंग दे देनी चाहिए आराम से? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस जिसमें ट्रायल पे केस जाना ज़रूरी होता है, जैसे रेप के केसेस हो गए, उसमें ट्रायल होना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें आप नॉर्मली कॉशिंग नहीं ले सकते हैं, तो उनमें वो नॉर्मल केसेस में नहीं आ गए, तो आराम से ये जो ये एक छुट्टा पावर है ये यूज़ नहीं की जानी चाहिए, ये भी कुछ केसेस में मेंशन था। अब उसी पॉइंट को इस केस में लगाया कि क्या ये जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है इसमें हमें इज इट अ डिफिकल्ट इशू, क्या इसमें ट्रायल पे जाना ज़रूरी है? तो इसमें पैराग्राफ 13 में ये पॉइंट है, इंस्टांसेस ऑफ अ हस्बैंड्स फैमिली मेंबर्स फाइलिंग अ पिटिशन टू कॉश क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लॉन्च अगेंस्ट देम बाय हिज वाइफ इन द मिड्स ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आर नाइदर अ रैरिटी नॉर रिसेंट ओरिजिन। कोई रैरिटी वाला इशू नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है जिसमें बहुत कंसिडरेशन की जरूरत हो, ठीक है। प्रेसिडेंस Appellantia abans on this score, we may now take note of some decisions of particular relevance. ठीक है, कई सारे decisions लिए गए हैं और उसमें सबसे पहला point ये गया है कि
ऑमनिबस एलिगेशंस लगाए हैं. ऑमनिबस एलिगेशंस क्या होता है? खुला, बहुत सारी एलिगेशंस, कुछ 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 इधर उधर से जोड़ तोड़ के लगा दी है, उनका कोई महत्व कोई वजूद नहीं है. ठीक है, फालतू एलिगेशंस लगा दी हैं. जब ओमनिबस एलिगेशंस होती है तो उसको क्या किया जाना चाहिए? इट इज लाइबल टू बी कॉस्ट, उसको कॉस्ट कर देना चाहिए. नेक्स्ट इसके बाद क्या है? दिस कोर्ट ऑब्जर्व दैट फॉल्सली इम्प्लीकेशंस बाय वे ऑफ जनरल ओमनिबस एलिगेशंस made in the course of matrimonial disputes if left unchecked would result in misuse of process of law. अब देखो इसमें एक पॉइंट mentioned है जो बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं, जो बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि मेरी बीवी मेरे अगेंस्ट फालतू केसेस लगा देती है. सेम वही चीज़ इसमें बोली गई है कि अगर ओमनिबस एलिगेशन, फालतू एलिगेशन, 498A भी लगा दिया, डाउरी भी लगा दिया, DV भी लगा दिया, 125 भी लगा दिया, बहुत सारे केसेस जो है लगा दी, 406 भी लगा दिया कि उन्होंने मेरा सामान रख रखा है, बहुत सारे ओमनिबस एलिगेशंस लगा दिए, सेक्शंस मार दिए, पर उसके नीचे फैक्ट्स तो है ही नहीं कुछ फालतू. तो ये क्या है? ये मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है. तो जब मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होता है तो वो प्रोसीडिंग्स जो है वो कॉस्ट हो जानी चाहिए. 482 का मकसद ही यही है कि सामने वाले व्यक्ति को फालतू एलिगेशन से जूझना ना पड़े, ट्रायल प्रोसेस से जूझना ना पड़े, उसका मेन इंटेंशन वही है. नेक्स्ट इसके बाद काफ़ी सारे केसेस आ जाते हैं मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में बात होती है. और ये भी बताया गया है कि अगर बाद में एक्विटल हो गया तो भी व्यक्ति पे बहुत सारे जख्म ट्रायल प्रोसीडिंग्स के रह जाएंगे, उनसे बचाने के लिए 482 लगता है. अब काफ़ी सारे केसेस हैं, प्रीति गुप्ता आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, इसमें कोर्ट ने नोट किया कि टेंडेंसी टू इम्प्लीकेट द हस्बैंड एंड ऑल हिज इमीडिएट रिलेटिव्स इज ऑल्सो नॉट अनकॉमन. क्या है? इन्होंने सिंपल ये बताया है कि एक कॉमन, एक कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है ये, इट्स नॉट अनकॉमन. ठीक है, बहुत कॉमन है ये. नेक्स्ट इसके बाद है कि नीलू चोपड़ा वर्सेस भारती, ठीक है, इसमें भी कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के मामलात में काफ़ी सारी चीज़ें नोट डाउन करी हैं. इन सब केसेस को आप एक बार पढ़ लेना स्क्रीन से, स्क्रीनशॉट लेकर के, और PDF अपलोड हो जाएगा. नेक्स्ट इसके बाद है सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट, महमूद अली एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ UP. अब इसमें सेक्शन 482 के एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में ये बताया गया है कि टू गेट द FIR और द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कॉस्ट, पैराग्राफ 16 में, एसेंशियली ऑन द ग्राउंड दैट सच प्रोसीडिंग्स आर मैनिफेस्टली फ्रिवलस और वेक्सेशियस. फ्रिवलस मतलब फालतू, बेकार, परेशान करने के लिए. वेक्सेशियस मतलब परेशान करने के लिए, सामने वाले को परेशान कर देने के लिए. नेक्स्ट है वेंजेंस, यानी कि बदले की भावना से आप कोई भी केस डालते हो तो हाई कोर्ट की ड्यूटी है उन केसेस को कॉश कर देने की. ठीक है, अब इसके बाद भजन लाल, सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है वो भजन लाल का है. उसमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं 482 CRPC के बारे में, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार पढ़ लेना सारे ग्राउंड्स क्या क्या हैं. ठीक है, भजन लाल का जो केस है, फर्स्ट ग्राउंड वेयर द एलिगेशंस मेड इन द FIR प्राइम FSI कॉन्स्टिट्यूट करती हैं कि जो ऑफेंसेस मेक आउट किए हैं वो सामने वाले अक्यूज के लिए बनते ही नहीं है. कोई भी FIR है तुम उस पोजीशन में जब ऑलरेडी हो ही नहीं. फॉर एग्जांपल 498 एक क्रूल्टी है, ये जो व्यक्ति है वो वहाँ पे अपनी एक्सेस में ही नहीं थे विक्टिम के साथ, कंप्लेनेंट के साथ, तो फिर क्या है ये? फ्रिवलस है, ये कोई सेक्शन बनता ही नहीं है. नेक्स्ट इसके बाद है कि FIR जो है वो सामने से बताती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं था. अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट, सीरियस क्राइम होता है कोई, तो यहाँ पे कोई सीरियस क्राइम है कि नहीं उसके बारे में भी पता होना चाहिए. नेक्स्ट इसके बाद है कि एविडेंस ही बता रहा है कि एविडेंस ही आपके जो मतलब एविडेंस आपकी कंप्लेंट का साथ ही नहीं दे रहे हैं, ये है. फिर इसके बाद भी सिमिलर कॉग्निजेबल ऑफेंस बट कॉन्स्टिट्यूट ओनली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इन्वेस्टिगेशन इज परमिनेंट, नो इन्वेस्टिगेशन इज परमिटेड बाय अ पुलिस ऑफिसर विदाउट एन ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट एज कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 155 क्लॉज 2 ऑफ CRPC. इसमें भी आपको पता है कि किसमें ऑर्डर चाहिए किसमें नहीं चाहिए. फिर इसके बाद एब्जर्ड और इनहेरेंटली इम्प्रॉबेबल ऑन द बेसिस ऑफ नो प्रूडेंट पर्सन, मतलब इतनी एब्जर्ड कंप्लेन है कि एक नॉर्मल व्यक्ति समझ ही नहीं सकता है कि हाँ भाई ये कंप्लेन हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है, एकदम बेकार कंप्लेन है उसके बारे में. नेक्स्ट इसके बाद या फिर उस कंप्लेन के ऊपर कोई लीगल बार है. आप देखो इसको 498A के प्रोसीडिंग्स में नहीं बल्कि अलग प्रोसीडिंग्स में भी लेके चलो, क्योंकि 482 हर एक केस में लगता है, कॉशिंग पिटिशन हर एक क्रिमिनल केस में लगती है.
इसलिए है, या फिर आपने किसी मैलिफाइड इंटेंशन से सामने वाले व्यक्ति के लिए केस किया हो गलत भावना से. अब आपको लॉ पता चल गया है, अब आपको ये भी पता चल गया है कि आपकी जो चार्जशीट लग गई है वो भी आगे लग सकती है FIR क्वेश्चन में. अब आपका लॉ पॉइंट ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, अब उस लॉ को इस केस के फैक्ट्स पे लगाया गया है. कैसे लगाया गया है? सबसे पहले कि जो महिला है जिन्होंने कंप्लेन करी थी उनका इंटेंशन इसमें सबसे पहले बताया गया है पैराग्राफ 18 में. एक बार आप पढ़ना इसे, ठीक है. इसमें मेन पॉइंट ये बताया गया है कि एक अनोनिमस कंप्लेन भी इन्होंने करी, ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने अपनी कंप्लेन पे ओ नहीं किया. शी डिडंट ओन अप टू हर कंप्लेन एंड दैट्स व्हाई दिस इज मैलिफाइड कंप्लेन. नेक्स्ट इसके बाद आता है कि 2009 पे ये साथ में रहना छोड़ दी थी, 2013 में इन्होंने आकर के कंप्लेन अचानक से उठ करके की है, और जो ऑफेंस का टेन्योर है वो यही टेन्योर बताया है उन्होंने कि 2009 से 2013. तो इसका मतलब क्या है? इनका कोई ऑलरेडी कॉन्टैक्ट नहीं था इन लॉ से, फिर भी इन्होंने उनके अगेंस्ट कंप्लेन की है जो कि फ्रिवलस है, ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद है, कोई भी स्पेसिफिक इंस्टेंस जो है इन्होंने साइट नहीं किया है. नो स्पेसिफिक इंस्टेंस हैज बीन साइटेड. मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि स्पेसिफिक इंस्टेंस जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर वो साइटेड नहीं है तो उसको मार्क करके आप क्वेश्चन पिटिशन डाल सकते हैं. नेक्स्ट इसके बाद एक और इन्होंने पॉइंट बताया था कि मैक्सी पहनने पे टोंड मारते हैं, ये भी कोई इंपॉर्टेंट ग्राउंड नहीं है, ठीक है. वेंजेंस, एक बदले की भावना से इन्होंने केस डाला था. अब एक बेसिक बात बता दूं, इन्होंने शायद ऑपोजिट पार्टी ने इनसे कांटेक्ट किया होगा कि चलो डिवोर्स कर लेते हैं, सेटलमेंट एग्रीमेंट में नहीं आए होंगे, तो उसके बाद इन्होंने ये सारे एलिगेशन इन पे लगा दिए, क्योंकि ये एलिगेशन जस्ट कुछ टाइम पहले लगाए गए थे जब डिवोर्स का केस डाला गया. अब कई लोग डरते हैं कि क्या हमें डिवोर्स का केस इन सब सिचुएशन के आसपास डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए. एक क्लियर बात है, अगर आपको अपने केसेस में अपनी वाइफ से डिवोर्स चाहिए तो आपको डिवोर्स का केस डालना पड़ेगा. देयर इज नो स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व. अगर आप सही हैं आप कोचिंग पे जाइए, क्योंकि कोई एलिगेशन जब बन ही नहीं रहे हैं आपके अगेंस्ट तो एविडेंसेस तो आएंगे ही नहीं. नेक्स्ट इसके बाद भजन लाल का केस जो है समाप्त किया गया, और हस्बैंड ने कब डिवोर्स प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट की थी? 498A केस के बाद इनके हस्बैंड ने डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट की थी. आप ये भी इसमें ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि पहले कर दी थी. कई लोग डरते हैं इस चीज से रिलेटेड. आई होप ये चीज आपकी क्लियर अप हो चुकी हो. नेक्स्ट इसमें एक चीज पता चल चुकी है, कंक्लूजन हो चुका है कि नो प्रूडेंट पर्सन कैन कंक्लूड दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स टू प्रोसीड अगेंस्ट देम. इन इफेक्ट द केस ऑन हैंड फॉल्स Squarely in categories 1 and 5 set out in Bhajanlal. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था इनका कि प्राइमा वजह ही बनता ही नहीं है कि केस है, और फिफ्थ क्या था, एब्सर्ड कंप्लेंट है. ऑब्वियसली उन्हीं पॉइंट्स पे ये जाएगा. तो आई होप आपको ये क्लियर कट समझ में आया हो कि यहाँ पे कॉशिंग के लिए ये केस क्यों गया. पर एक बात याद रखना, 10 साल बाद ये केस कॉश हुआ है, 10 साल बाद, तो उसमें भी काफी सारे घाव ऑलरेडी उन पे रह गए होंगे. तो प्लीज डू फॉलो अस अगर आगे भी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड ऑलवेज स्टे अपडेटेड.